जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडलियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लाडलो, मैंने कई सारे कमेंट देखे थे पिछले वीडियो में, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर एसएससी जीडी के एग्जाम के कितने दिन बाद में फिजिकल होगा, हमें कब तैयारी करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था कि सिर्फ जब जारी हुआ कि इस डेट से फिजिकल होगा, उसके बीच में मात्र 15 से 20 दिन का समय मिला, जिसके कारण दिल्ली पुलिस में 90% तक बच्चे फिजिकल में फेल हो गए, 10% रेशियो रहा पास होने का। यही टेंशन इस बार एसएससी जीडी वाले बच्चों को भी सता रही है कि सर ऐसा ना हो जाए कि जैसे पेपर खत्म हो 7 तारीख को और हमको 10 तारीख से डेट आना शुरू हो जाए। तो इसके कितने दिन बाद में एसएससी जीडी का फिजिकल होता है नॉर्मली, इसके बारे में आपके मन में भी आ रहा होगा जिन बच्चों का पेपर हो गया है। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि एसएससी जीडी के लिए हमने फिजिकल बैच शुरू कर दिए। अगर आप हमारी अकेडमी आके फिजिकल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल बैच भी जारी कर दिए, जिसको अपना मेडिकल कराना है, संपूर्ण मेडिकल ऑल टोटल जितनी एसएससीजीडी में मेडिकल होता है, जितनी जांचें होती है, वो सब उस मेडिकल में होगा। उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बातें हम अपने वीडियो पर कि एग्जाम के कितने दिन बाद में एसएससीजीडी का फिजिकल होता है। देखो लाडू, एसएससीजीडी का जो इस बार लास्ट एग्जाम है वो 7 मार्च तक है, और मैं आपको बता दूं लगभग 15 मार्च तक, यानी 15 मार्च तक आपकी आंसर की आएगी। कटऑफ नहीं, ध्यान रखना, आंसर की जारी होगी। कई बच्चों को आंसर में आपत्तियां भी होगी कि आंसर की ये सही नहीं है, तो वो आपत्ति भी उस समय दर्ज करा सकेंगे कि हाँ ये आंसर सही है या गलत है। इसके लिए यानी 15 मार्च तक आपके आंसर की जारी होगी। आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ जारी होने की तिथि है वो है 30 मार्च के आसपास। अब आप बोलोगे सर इतना क्यों बता रहे हो, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की पिछले साल से जो कार्रवाई है वो बिल्कुल फास्ट हो गई है। अगली वैकेंसी कब है? अगस्त के महीने में अगली वैकेंसी भी बता दी है, ठीक है, अगस्त के महीने में अगली वैकेंसी। इसका मतलब है कि ये वाली वैकेंसी अगस्त तक खत्म होगी, तो 30 मार्च के आसपास आपके पहली फिजिकल की कट ऑफ जारी होने की तिथि है, और अप्रैल में आपके होंगे फिजिकल शुरू। अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल के आसपास आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं। ध्यान रखना, इस बात पर पूरा विश्वास कर लेना, ठीक है। इसके ऑफिशियल तो कोई नोटिस मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप पूरा पूरा इस पर विश्वास कर सकते हैं कि 15 अप्रैल के आसपास से आपके फिजिकल शुरू होंगे 100%, और वो चलेंगे लगभग 1 महीना यानी मई तक। उसके बाद में मई अंतिम में या जून फर्स्ट में आपकी मेडिकल कट ऑफ जारी होगी, और जून के महीने में, जून और जुलाई में होंगे आपके मेडिकल, और अगस्त में आपके लगेगी फाइनल मेरिट, ठीक है। ये है पूरी की पूरी डिटेल आपके आगे की इस भर्ती की। यानी सबसे जरूरी इस समय आपके जिन बच्चों का पेपर हो गया है उनको इस समय 5 किलोमीटर, अगर लड़का है तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट का समय है, आपको शुरू कर देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका वजन बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चे भी तैयारी शुरू कर दे। अगर आपका इस समय 5 किलोमीटर मगर 40 मिनट 45 मिनट भी आ रहा है, तो भी आप आराम से 45 दिन से 50 दिन के अंदर अंदर अपनी टाइमिंग इसके अंदर ला सकते हो, ठीक है। पिछली बार मेरे पास में अकेडमी में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी मतलब टाइमिंग पूरी खराब थी, 39 मिनट 42 मिनट, उसके कुछ वीडियो भी आपको मिल जाएंगे हमारे कमांडो अकेडमी फिजिकल पे देखना। और जब वो बच्चे फिजिकल देके आए थे सारे के सारे पास थे। तो अगर आप अकेडमी आके तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, घर पे करना चाहते हैं तो भी तैयारी शुरू कर दे। आपका फिजिकल है वो 15 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाएगा, 15 अप्रैल 2024 से पूरे चांसेस है आपके फिजिकल शुरू होने के, यानी 15 अप्रैल का एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा डिले फिजिकल आपका। और जून जुलाई में होगा आपका मेडिकल, और फाइनल मेरिट लगेगी आपकी कब? अगस्त के महीने में। अब एक किसी बच्चे को अपना मेडिकल कराना, जिसको लगता है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर है, अगर उसको अपना मेडिकल कराना है तो वो बच्चा भी एकेडमी आ सकता है और अपना पूरा संपूर्ण मेडिकल करा सकता है। अब से मेडिकल बैच भी जारी हो गए और फिजिकल बैच भी, ठीक है लाडलू। जय हिंद, जय भारत।